लेकर आई थी, नॉर्मल हो गए हैं वो, लेकिन बस उनको यही रहता है मैं जाप नहीं कर पाता, बाबा जी के पास जाना, अभी भी आने के लिए बहुत जिद कर रहे थे। पूजने बाबा जी, गुरु जी, माता जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन गुरु जी। हम दिल्ली से आए हैं, डीएनए में हम 3 लोग हैं और आपकी परम कृपा से हम वन डे भी हमने कर लिया है अभी इस बार, और कुछ बहुत सारी समस्याएं हमारी खत्म भी हो गई हैं। अच्छी बात है, आपकी कृपा से 5वें लेवल में भी पहुंच गए हैं। बाबा माँ की बहुत कृपा है गुरु जी। मेरे को अभी रिसेंटली नई नई चीजें उभर के आ रही हैं, थोड़ा जैसे ब्रेन में मेरे को प्रेशर बना हुआ है अभी। सभी भोग कटेंगे तो सब कुछ होगा, ब्रेन में प्रेशर बना हुआ है, डॉक्टर लोग बोल रहे हैं रीढ़ की हड्डी में से पानी निकाल के वो प्रेशर कम करेंगे, ऐसा मुझे कराना चाहिए? नहीं, प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर का ही प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ है डॉक्टरों के, मुझे नहीं कराना चाहिए? देखो अब दिखाते क्या है, आपकी है सारी, आपकी स्वयं की स्मृतियां सब नष्ट, सिर दर्द की स्मृतियां थी, आर्थराइटिस पेन था, कंधों में चुभन और भारीपन की स्मृतियां थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, शरीर में कमजोरी की स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चीड़ होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहना, अलग रहना, चेस्ट में दर्द और जकड़न की स्मृतियां थी, अनिद्रा की स्मृतियां थी, लाइपोमा की स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना, कमर में दर्द होता था, सांस लेने में कष्ट होता था, फिस्टुला की भगंदर की स्मृतियां थी, लीवर में गांठों की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, रक्त दूषित था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, थायराइड की स्मृतियां थी, अल्जाइमर की स्मृतियां थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कैंसर की स्मृतियां थी, हड्डियों में, लीवर में, कोलोन में, यूट्रस में और रेक्टम में। एकदम सही है, कहीं कोई कष्ट नहीं है प्रेजेंट टाइम, एकदम बढ़िया, निद्रा पूरी ना होने के कारण डबल विजन हो जा रहा है, निद्रा ना होने के कारण पूरी नींद पूरी नहीं आती डॉक्टर। गुरुजी मेरे को एक चीज और करना है, एक तो मेरे को चाय पीने की बहुत गंदी आदत है, बहुत ज्यादा चाय मन होता है और फोन बहुत ज्यादा देखते हैं, वो स्मृति मेरी किसी तरह का। हमने क्या कहा, निद्रा ना पूरी होने के कारण ये कष्ट थे, केवल ब्रेन हेमरेज की स्मृतियां थी, है ना, लिखा हुआ ब्रेन ट्यूमर्स की, सब लिखा हुआ ना, ये सारे, और ब्रेन हेमरेज की स्मृतियाँ थी, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता था, हैं, वो सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई। कल महाहवन करो दरबार की ओर से जो निःशुल्क है, तो सात स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाए, इतनी बात है, डॉक्टर से छुट्टी पाओ। प्रणाम गुरु जी, खुश हो, थैंक यू सो मच गुरु जी, आपकी कृपा से ही मेरा और मम्मी का भी 5th लेवल में हो गया था, एंड बस उसके बाद से थोड़े से कष्ट ज्यादा निकल रहे थे भाई, पापा को भी लास्ट ईयर स्ट्रोक आया था। निकलेंगे कष्ट तो होते हैं गुरु जी, वही बस कष्ट निकलते हैं वो तो ठीक है, पर वो रह जाते हैं ना, उसका इम्पैक्ट रह जाता है बॉडी के ऊपर, उससे ज्यादा कष्ट प्रॉब्लम होती है, बस रह नहीं जाता, निकलता रहता है जी। एक संकल्प कर लिया करो, जो हमने भी कराया जी, कि रोग वो करते रहे लेकिन उसकी स्मृतियाँ जो है जी, जो कष्ट की स्मृतियाँ हैं, रोग भोग के कष्टों का अनुभूति कराती हैं स्मृतियाँ, वो नष्ट कर दी हैं, अभी नष्ट कराई इसीलिए सब खत्म, अपने प्रार्थना संकल्प से सब जाता है। देखो ये कष्ट पुरुषों में, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, किडनी निष्क्रिय करने वाली स्मृतियाँ थी, शोल्डर में पेन और चुभन भारीपन की स्मृतियाँ थी, अपच व एसिडिटी की स्मृतियाँ थी, अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी कराने वाली स्मृतियाँ थी, गलत निर्णय कराने वाली स्मृतियाँ थी, कोलोन में घाव बन रहे थे, सूजन था, कामुकता बढ़ाने वाली स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, स्पाइन टीबी की स्मृतियाँ थी, लंग्स में इन्फेक्शन था, पेशाब से धातु जाना, DMD की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मस्तिष्क सुन्न कर देने वाली स्मृतियाँ थी, रेक्टम में पेन, जलन, घाव बन रहे थे, कैंसर की स्मृतियाँ थी, मुंह में, भोजन नली में, रेक्टम में, पैनक्रियास में और लंग्स में। जी गुरु जी, कल महावन और कर लो बेटा। अच्छा गुरु जी, हमें तीनों को रखना है, मम्मी पापा और मेरा, तीनों को रखना, तीनों ओके।
गुरुजी मैं वैसे पापा की फोटो लाया था, बट आपने बता ही दिया खैर क्या क्या कष्ट दरबार ने खत्म करे हैं। इसी में थे सारे, इसी वो गया स्ट्रोक का, इसी में सारे लिखे जी, जो आपको पढ़ाया सब इसी में इनके भी। गुरुदेव मैं महावन करूँ तो महावन के संकल्प में रखो तो उनकी भी असाध स्मृतियाँ नष्ट हो। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ प्लीज? हाँ। जैसे गुरुजी हम एक तरफ महावन और वन डे करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग तंत्र दीक्षा में आगे बढ़ते हैं, तो तंत्र दीक्षा में भी हमारे पास बहुत सारी एनर्जी अक्यूमुलेट होती है और महावन के थ्रू भी, तो ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते अलग अलग जैसे कि हमारी तंत्र दीक्षा की जो एनर्जी होती है वो हमको हील नहीं करती आज सच दोनों करती क्यों नहीं है? आप भोग तो कटते ही है जी, जी भोग तो कटते ही है आपके जो दीक्षित जो आप रहते हैं दरबार से अपनी ध्यान साधना से अपने जब तब से आपके भोग तो कटते ही कटते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि भोग नहीं कटते, लेकिन एक स्पेशली एनर्जी है जो इसी के लिए बनी है, जो रोगों के लिए बनी है नष्ट करने के लिए जी। हैं उनकी नकारात्मक हाँ, रोगी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं उसके हाँ, लिए एक स्पेशल एनर्जी अलग से हर चीज़ के लिए। जैसे आप नाक के बाल काटते हैं अलग कैंची है, कपड़ा काटते हैं दूसरी कैंची है, सी के बाल काटने के तीसरी कैंची है, ऐसे है कैंची ऊर्जा ही है, ऊर्जा के प्रकार हैं। आप माँ महाकाली की पूजा करते हैं तो अलग एनर्जी अलग भाव से करते हैं। हाँ जी। हाँ? तंत्र में आगे बढ़ने के लिए व्यवस्था को समझने के लिए। हाँ जी। जब माँ महालक्ष्मी की करते हैं तो धन की प्राप्ति के लिए करते हैं, माँ सरस्वती की करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो है तो ऊर्जा है तो माँ ही सब जगह, लेकिन अलग अलग प्रकार से अलग अलग भाव से जब आप करते हैं तो वैसा ही वो प्रभाव एनर्जी आपको देती है। ठीक है, तो स्पेशली ये जो एनर्जी महावन की है वो आपके असाध रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए, जो आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया इसकी एनर्जी क्या करती है? इसकी एनर्जी सबसे पहला काम करती है, जो पहली पहली बार दरबार आते हैं उनके पितृ सब मुक्त होते हैं, पितृ दोष जाते हैं उनके भी तमाम सब गंदगी जाती है, साथ साथ में जो साध्य रोग हैं उनकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं, जो क्योरेबल हैं है ना, जो क्योरेबल हैं एक्टिव डिजीज हैं उनकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जो नष्ट नहीं होते रोग, जो जिनसे आदमी की मृत्यु होती बोलते हैं असाध्य रोग है, इनक्योरेबल है, उसके लिए ये एनर्जी है जो दरबार महावन कराता है निःशुल्क एक दिवसीय जी। गुरु जी तो अलग अलग सबकी एनर्जी, सबका अलग अलग काम है। ये जो तंत्र दीक्षा में आप जा रहे हैं स्वयं के लिए भी सुखकारी है, दूसरों के लिए सुखकारी है। हाँ जी। भविष्य में तो ऐसे एनर्जी का अलग अलग, धन्यवाद गुरु जी, एक अपने लिए एक सबके लिए। तंत्र में दीक्षित होना, तंत्र में पारंगत होना, तंत्र में पारंगत होने का मतलब हम स्वयं सुखी रहेंगे और दूसरों को सुखी कर पाएंगे जी गुरु जी। ऐसे तंत्र दीक्षा है, यही ऑब्जेक्टिव है गुरु जी। थैंक यू सो मच, खूब खुश हूं, मस्त हूं। गुरु जी मैं अपने हस्बैंड के बारे में और थोड़ा पूछना चाहती हूं। उनको पैरालिसिस हुआ था पिछले साल, मैं आपको लेकर आई थी फोटो, तो आपने उनकी चिकित्सा करी थी, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं है और वो माला जाप नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड लेवल में आने वाले थे लेकिन उनका हाथ नहीं चल पा रहा है, ऐसा कुछ उनको कर दीजिए कि उनका हाथ चलने लगे, माला जाप कर पाए। मानसिक में वो पेपर लेके देख के पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो लिखा है ना, देखो सभी कुछ लिखा है, नीक पर्चा है बच्चों का। अच्छा। लकवे की स्मृतियाँ, उनको बहुत डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा ऐसा, मतलब है उनको आयु स्थान को तो कोई खतरा नहीं है ऐसा अभी। अच्छा, आप आंख बंद करो, वापस निकाले आंखें बंद करो, उनको देखिए आंख बंद कर वापस निकाले हम लाया जाए स्थूल सिंह के पति देव और लकवे की सभी स्मृतियाँ खींच के लाइए। कार्य करने से रोकने वाली और मृत्यु का भय दिखाने वाली सभी स्मृतियाँ खींच लीजिए, शिव सब नष्ट करके सभी पाँव फैला प्रहार अभय प्रदान किया जाए, पूरी तरह से निर्भय कर दिया जाए और माला जब कर पाए वो स्मृति का प्रवाह किया जाए ऊर्जा का। पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खुली, अब बढ़िया है। अब उनको थोड़ा सा कष्ट रहता है, दर्द रहता है, वो सेंसेशन है, पहले तो बिल्कुल ही सुन्न हो गए थे। हाँ जी, बिल्कुल डेड हो गए पहले, अब तो बहुत अच्छे हैं। फोटो लेकर आई थी, नॉर्मल हो गए हैं वो,
लेकिन बस उनको यही रहता, मैं जाप नहीं कर पाता, बाबा जी के पास जाना, अभी भी आने के लिए बहुत जिद कर रहे थे। पहले चलना फिरना नहीं होता था, पूरा शरीर सुन्न हो रहा था। हाँ जी, अब ठीक है, पहले से बहुत। बस उनको स्वेलिंग रहती है पैरों में, रहता हूँ, लेपन कराते रहिए। हाँ जी, लेपन कराते रहिए। हाँ जी, खुश, ठीक है, जय बाबा।